हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, क्या आपके फ़ोन का डिस्प्ले फूट गया है? क्या आप नया डिस्प्ले बिठाने जा रहे हो? तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं गाइस। हमारे पास एक F7 फ़ोन आया है जिसका डिस्प्ले शो नहीं कर रहा है। गाइस, ये हमारे दोस्त का फ़ोन है। मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ, इस दोस्त ने अब तक 3 से 4 डिस्प्ले चेंज कर दिए। गाइस, मैंने चाहा कि एक वीडियो बना लिया जाए, बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया था। तो चलो शुरू करते हैं अपना काम। फटाफट से मोबाइल को ओपन करते हैं। जिस तरह वीडियो में बताया जा रहा है उसी तरह से ओपन करना है। ओपनर टूल्स वगैरह होगा तो उसी तरह से उससे भी ओपन कर सकते हैं। और जो भाई मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, जिन्हें रिपेयरिंग में इंटरेस्ट है, वो हमारे वीडियो को देख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशनल मिलता है। और गाइस, हम बहुत दिन से हमने वीडियो नहीं बनाया है। गाइस देखो क्या होता है, हमें उतना टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, लेकिन अभी सोचा हमने कि वीडियो बना दे। सबसे पहले तो सब स्क्रू खोलना है, फिर बैटरी को रिमूव करना है, फिर डिस्प्ले को गर्म करना है सेपरेटर पे। अभी इसमें भी बताया नहीं, लेकिन मैंने सेपरेटर पे डिस्प्ले को गर्म किया है और गर्म करके ही डिस्प्ले निकलता। डिस्प्ले निकालने के बाद गाइज, आपको फ्रेम को अच्छी तरह से साफ़ करना है। फ्रेम को किस तरह से साफ करना है? अच्छी तरह से साफ़ करना है। ग्लू होता है तो सबसे पहले वाइब्रेटर की मदद से ग्लू को रिमूव करना है, फिर आईपी क्लीनर से थोड़ा फ्रेम पे ग्लू डालना, फ्रेम को साफ करना है। आईपी क्लीनर से क्या होता है गाइस, जो भी हो आपके पास थिनर पेट्रोल आईपी, जिससे ग्लू साफ़ किया तो प्रॉपर ग्लू निकलता है और डिस्प्ले की प्रॉपर फिटिंग होती है। तो कॉपी भी डिस्प्ले आपके मोबाइल पे अच्छे से बैठ जाता है। गाइस, ये तो डिस्प्ले ओरिजिनल ही है, लेकिन कॉपी बोलकर मार्केट ओजी बोलकर देते हैं, लेकिन ये 100% ओरिजिनल डिस्प्ले है। गाइस देखो, इस ट्वीज़र की मदद से कॉर्नर्स को साफ़ करना है अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से कॉर्नर साफ़ होने के बाद ग्लू को चारों ओर से फ्रेम में लगा देना है। देखो, ग्लू है ना, एक बारीक से हल्की सी लाइन से लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। ज़्यादा ग्लू लगाने की वजह से, ग्लू पतला होने की वजह से, लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से डिस्प्ले के अंदर जा सकता है। देखो गाइस, जिस तरह वीडियो में बताया जा रहा है उसी तरह से आपको ग्लू लगाना है। फिर डिस्प्ले को जिस तरह से लगाया जा रहा है वीडियो में उसी तरह से आप लगाएंगे तो आपका कॉर्नर कभी ब्रोक नहीं हो जाएगा। जो भाई भी कॉपी डिस्प्ले फिटिंग करते हैं तो इस तरीके से डिस्प्ले फिटिंग करेंगे तो कभी कॉर्नर नहीं टूटेंगे। कुछ कुछ भाई क्या करते हैं, मार्केट से कॉपी डिस्प्ले लाते हैं और फिटिंग करने जाते हैं और नीचे से दबा देते हैं, तो नीचे से डिस्प्ले दबने की वजह से क्या होता है, कॉर्नर ब्रोकन हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्ले ख़राब होता है और उन भाई का नुकसान होता है। गाइस, रिपेयरिंग में बहुत सारा पैसा कमाते भी आता है और नुकसान भी बहुत तगड़ा भी होता है। तो रिपेयरिंग को सही तरीके से करेंगे तो काम प्रॉपर हो जाएगा। और ज़्यादा करके कोशिश करना चाहिए कि अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाला डिस्प्ले बिठाए, पेस्टिंग वाला डिस्प्ले बिठाए, लोकल डिस्प्ले यूज़ करने से बचे। देखो गाइस, डिस्प्ले तो हमारा फिट हो चुका है, बैटरी भी कनेक्टर हमने लगा दिया है और ये स्क्रूज़ वगैरह टाइट कर रहे हैं। ये भाई जो है हमारे अच्छे दोस्त थे, इमरान भाई, उनका फ़ोन है। इमरान भाई बहुत दिन से परेशान थे कि मेरा फ़ोन का टच नहीं चल रहा है, मेरा फ़ोन डिस्प्ले दिख रहा नहीं है। तो इमरान भाई का फाइनली फ़ोन अब रेडी हो चुका है। गाइस देखो, ऑन करते हैं। ये जो ऊपर से ग्लू लगा है इसको आईपी की मदद से अपन निकाल सकते हैं। अभी तो ये पेपर निकालने के बाद क्लियर हो जाएगा, लेकिन कैसा है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन रहता है कि भाई मुझे न्यू डिस्प्ले बिठा दिया। देखो, हम टच चेक करते हैं तो प्रॉपर तरीके से टच वर्क कर रहा है। गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। आपको कोई इस वीडियो से जानकारी मिली हो तो ज़रूर बताना। और इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मूवी फिक्सर।